जिला कैथल के हल्का पुंडरी निवासी राहुल पिछले 3 दिनों से लापता था। वहीं देर रात युवक का शव किरमच बटेड़ा नहरहेड से बरामद कर लिया गया। युवक का 6 महीने पहले कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर निवासी युवती से विवाह हुआ था। मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक के गांव के ही लोगों ने शराब पिलाकर हत्या की है। इस मामले को लेकर जब परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ 302 धारा लगाने की मांग की तो प्रशासन ने FIR लॉन्च करने से मना कर दिया। इस एवज में सैकड़ों ग्रामीणों ने थानेसर रेलवे स्टेशन आने जाने वाले रोड पर जाम लगा दिया। मृतक युवक की मां का आरोप है कि जिन लोगों ने उनके बेटे की शराब पिलाकर हत्या की है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ FIR और सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक रोड यूं ही जाम रहेगा। बता दें कि ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मामले में प्राथमिकता दर्ज नहीं की जाती तब तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाएगा। जब मेरा लड़का मार दिया हमने धक्का दिया मेरा लड़का तो मेरा लड़का पानी में कभी यूज रहा ऐसे गंदे पानी में ना भी नहीं था वो क्या क्या गया जी। हमारे गांव का जो माइया तो 3 दिन पहले अपना 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी लेकिन 3 दिन से लापता था। तो कुछ गांव के इसके दो यार दोस्त बताया जा रहा है भी इसको साथ में ले गए थे और साथ में इसको दारू दूरू पे ले गए भी इसको नहर में इसको धक्का दिया भी इसका मर्डर किया गया। हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है 302 जाम लगाने का क्या कारण है आपने सड़क जाम की है ये SHO साहब ने कस्पे कार्रवाई नहीं करी। DSP साहब भी उनसे भी रिक्वेस्ट करी भाई इसका पर्चा दर्ज किया जाए लेकिन वो पर्चा दर्ज नहीं करे। पूरे गांव वासियों की तरफ से हम एक ही अपील करें शांतिपूर्ण तरीके से भाई इसका पर्चा दर्ज किया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा अभी पुलिस प्रशासन से आप लोगों की बात हुई तो क्या सुबह 8 बजे आ चुके सुबह 8 बजे पुलिस प्रशासन हमारी बात चली है लेकिन पुलिस प्रशासन ने FIR लॉन्च करने से मना कर दिया। अपने तरीके से करेंगे।